यस, 100 शब्द प्रति मिनट गति। समय का प्रवाह अनवरत है, दिन कोई हो, सप्ताह कोई हो, महीना कोई हो या साल कोई हो, वह इन सब की परवाह किए बिना अपनी गति से बहता रहता है। वह न हमारी नाकामियों की चिंता करता है और न हमारी उपलब्धियों की। क्या खोया, क्या पाया, यह सब उसके लिए बेमतलब है। हम समय के इसी प्रवाह में जीते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बाकी सभी चीज़ें भी महत्व रखती हैं। इसी के प्रभाव की एक सर्द रात नया साल आता है और हमें सोचने, समझने और फैसले करने का मौका देता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक चर्चित शब्द है रिबूट करना। एक क्षण के लिए कंप्यूटर को बंद कीजिए और फिर से चला दीजिए। बस इतने से कंप्यूटर अपनी पुरानी सुस्ती और बाधा बने पुराने कबाड़ को उतार फेंकता है और फिर नव जीवन के साथ सक्रिय हो जाता है। नया साल भी हमारे लिए अपने जीवन को रिबूट करने का मौका होता है। अगर हम तय कर लें तो यह ऐसा मौका हो सकता है जिसमें हम पुरानी बलाओं से पीछा छुड़ाकर नए संकल्पों से जुड़ सकते हैं, नई मंजिलों की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। साल 2020 हमारे लिए इसी कारण से महत्वपूर्ण है कि इस समय हमारे पास पिंड छुड़ाने के लिए बलाएं भी बहुत सारी हैं और ऐसी मंजिलें भी बहुत सी हैं जहां जाने का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन उन राहों पर हमारे अभी कदम भी ठीक से नहीं बढ़े हैं। नया साल उस समय आया है जब देश के एक बड़े हिस्से में सर्दी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है और दूसरी तरफ कई तरह के असंतोष न सिर्फ सतह पर आ रहे हैं बल्कि उग्र होते दिख रहे हैं। लोग अपने हितों को लेकर बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए। इसे किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन सड़कों पर उनके जमाव की परिणति अगर किसी टकराव में हो तो इसका अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ शुभ नहीं है। आगे बढ़ते हुए इस देश के ऐसे अंतर्विरोध बहुत सारे हैं। नए साल में हम ऐसे अंतर्विरोधों को शांति और सहानुभूति से अंतिम विदाई देने का संकल्प ले सकते हैं। बेशक यह बहुत आसान नहीं है क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी ताकतें काफ़ी प्रबल हुई हैं जो ऐसे दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को न सिर्फ बढ़ाने में सहायक यकीन रखती है बल्कि इन्हीं पर वे अपनी रोटी भी सेकती है। 7 साल पहले जब निर्भया की निर्मम हत्या के बाद पूरा देश उबाल पर था तब हमने यह उम्मीद जताई थी कि इसी उबाल से कोई नया रास्ता निकलेगा। 2019 ने हमें यह बताया कि उस दिशा में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। साल 2020 उन अधूरे संकल्पों को पूरा करने का समय भी है। ऐसे अधूरे संकल्प भी बहुत सारे हैं। अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प, बेरोजगारी को खत्म करने के संकल्प, देश को विकसित राष्ट्र और विश्व शक्ति बनाने के संकल्प, ये सभी ऐसे संकल्प हैं
जो हमारे पास एक दो साल से नहीं बल्कि कई दशकों से है।